गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नव भारती परिवार में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा लिखित प्रश्न पोषण। जो फीडबैक के बारे में मैं आपको पढ़ा रही थी कि शिक्षक हमें कौन कौन से और किस किस प्रकार के हमें प्रश्न पोषण देते हैं, फीडबैक देते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने इसके प्रकार बताए थे आपको कि जो शिक्षक के द्वारा हमें जो प्रश्न पोषण प्रदान होते हैं उनके दो प्रकार है। पहला था मौखिक और दूसरा था हमारा लिखित। जो मौखिक का वर्णन मैंने आपकी लास्ट वीडियो में किया था, अब है हमारा लिखित प्रश्न पोषण। यानी कि हम लिखित प्रश्न पोषण कैसा होता है, उसमें कौन से गुण होते हैं और कौन से उसमें थोड़ी कमी रहती है। क्योंकि हम जब भी कोई कार्य करते हैं तो उसमें कुछ अच्छाइयां होती हैं और कुछ उसमें कमी होती है। तो प्रत्येक जो हमारा पक्ष होता है कार्य करने का, या व्यक्ति के स्वरूप का या हमारे कार्य करने के स्वरूप का, हमारे दोनों स्वरूप महत्वपूर्ण होते हैं। पहला उसकी जो हमें उससे लाभ होते हैं, यानी कि वो हमारे गुण में आते हैं। साथ में हमारे आते हैं इसमें दोष, यानी कि जब हम कोई कार्य करते हैं तो उसके अंदर हमें ऐसी कौन सी चीज होती है जिन्हें की हमें जिन्हें परिवर्तन करने की हमें आवश्यकता होती है, यानी कि वो कमी के रूप में उस कार्य में विद्यमान रहते हैं। इसीलिए इस वीडियो में हम लिखित प्रश्न पोषण के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि लिखित जो प्रश्न पोषण है, इस प्रश्न पोषण में कौन से गुण पाए जाते हैं, कौन से इसमें दोष है यानी कि कमियां हैं, इनके बारे में आज हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। लिखित प्रश्न पोषण। मौखिक प्रश्न पोषण के लिए हमने बताया था कि जो हम मुंह से बोलकर देते हैं, तो मुंह से बोलकर जो प्रश्न पोषण शिक्षक देते हैं तो हमें वो जब अधिगम करवाते हैं तो करवाते समय यानी कि साथ साथ प्रदान करते हैं। लेकिन हमारा जो लिखित प्रश्न पोषण है, इसके लिए हम कहते हैं कि लिखित प्रश्न पोषण हमें कार्य को समाप्त करने के बाद, कार्य करने के पश्चात हमें लिखित प्रश्न पोषण देते हैं। क्योंकि ये जो हमें प्रश्न पोषण यानी कि लिख कर जो प्रदान करते हैं, ये प्रश्न पोषण हमें हमारे पूरा कार्य करने के या कार्य को समाप्त करने के पश्चात हमें ये प्रश्न पोषण देते हैं। जैसे हम देखते हैं कि बच्चा जब पढ़ता है तो जिस क्लास में है वो अपने सारे एग्जाम्स, जिसे हम कहें कि त्रैमासिक, अद्विवार्षिक, वार्षिक, इन जो तीनों परीक्षाओं का जो स्वरूप होता है उसे पास करने के बाद में हम देखते हैं कि अंत में हमें जो बच्चों को एक जो हम मार्कशीट के तौर पर हम उसे देते हैं वो क्या है, उसके आकलन का, यानी कि पूरा हमने जब पूरे वन ईयर उसने क्या कार्य किया इसकी हम उसे रिपोर्ट देते हैं, वो उसका लिखित प्रश्न पोषण होता है। उसके अंदर जब हमारा हम उस बच्चे का आकलन करने बैठते हैं तो उसके अंदर हम उनके सांस्कृतिक प्रोग्राम के लिए या हम कहें उसकी प्रतिभा के बारे में हम ये सारे उस मार्कशीट के ऊपर हम लिख के देते हैं। तो ये हमने कब लिखा, जब हमने पूरे साल बच्चे के बारे में जाना, समझा, उसका आकलन किया, उसके बाद में लास्ट में हमने लिखा। तो इससे हम ये एग्जांपल जो मैंने आपको दिया है वो इसलिए दिया है कि हम लिखित प्रश्न पोषण को समझें कि लिखित प्रश्न पोषण जो हमें दिया जाता है, जो फीडबैक हमें दिया जाता है, वो हमें कार्य के अंतिम रूप पर दिया जाता है। जब हमारे कार्य की समाप्ति होती है तब हमें उसके बारे में बताया जाता है कि हमने वो कार्य किस तरीके का किया है, या उसके अंदर हमारे क्या कमी रही है, या क्या उसके अंदर हमारी अच्छाई थी। इन सभी चीजों का जो हम वर्णन करते हैं वो हम अंत में करते हैं। तो लिखित प्रश्न पोषण के बारे में हमने समझा कि लिखित प्रश्न पोषण कार्य के अंत में दिया जाता है और हमें ये प्रश्न पोषण लिख कर दिया जाता है। इस प्रश्न पोषण की सबसे बड़ी यही चीज होती है कि हम जो भी कार्य करते हैं इसमें जो फीडबैक देते हैं हम वो लिख कर करते हैं। वो हमारे प्रदर्शन, हमारे शैक्षिक कार्यों का प्रदर्शन, हमारे सांस्कृतिक कार्यों का प्रदर्शन, ये सब जो भी हम करते हैं, ये कहते हैं ना प्रतिभा, जो हम छात्र की प्रतिभा के बारे में लिखेंगे तो ये सब हम अंत में लिखेंगे। यानी कि शिक्षक हमें जो फीडबैक देगा लिखित, वो हमारे कार्य के अंत में देगा। अब हम देखते हैं आज लिखित प्रश्न पोषण के गुण, कि लिखित प्रश्न पोषण में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। तो सबसे पहला है हमारा प्रभाव स्थायी। मैंने लास्ट में आपको मौखिक के लिए कहा था
कि मौखिक जो हमारा फीडबैक है उसका प्रभाव स्थायी नहीं रहता, क्योंकि वो फीडबैक हमारे पास कोई लिखित रूप पर नहीं होता है। उस फीडबैक को हम कहें कि बच्चे कुछ दिन में उसे भूल जाते हैं, यानी कि टीचर ने क्या कहा इसे वो भूल जाते हैं, लेकिन जो हमारा लिखित प्रश्नपोषण है ये हमारा स्थायी होता है। अभी मैंने एग्जांपल दिया कि हम बच्चे को जब उसकी मार्कशीट दे रहे हैं तो वो जो चीज हम लिख कर दे रहे हैं वो बच्चे के पास हमेशा रहेगी। जब भी उसकी इच्छा होती है या बच्चे अपने आप को कहना है, बच्चे के हाथ में अगर वो रिपोर्ट कार्ड आती है तो उसे देखकर उसका उत्साह बढ़ता है, यानी कि वो उसको बार बार स्मरण कर सकता है, यानी कि वो एक तरह से स्थायी रहता है उसके पास। तो पहला है इसमें गुण कि इस पर जो लिखित प्रश्नपोषण होता है वो हमारा स्थायी होता है। कहते हैं अधिगम की उन्नति जो हम करते हैं आकलन के पश्चात जब हमें प्रदान किया जाता है तो जो ये फीडबैक है हमारा अधिगम का, ये हमारा फीडबैक स्थायी रहता है। किसमें? हमारे लिखित प्रश्नपोषण में। सेकंड है हमारा आकलन के अनुरूप प्रश्नपोषण। आकलन के अनुरूप प्रश्नपोषण, लिखित हम प्रश्नपोषण क्या करते हैं, हम आकलन के पश्चात प्रदान किया जाता है। मैंने बताया था कि कार्य की समाप्ति के बाद हमें प्रश्नपोषण दिया जाता है, तो हम बच्चों का क्या करते हैं, जब शिक्षक विद्यार्थी का पूरी तरह से आकलन करता है कि बच्चा जो उसके अंदर कौन सी योग्यता है, कौन सी उसके अंदर क्षमता है, इस छात्र के प्रत्येक पक्ष का वो आकलन करते हैं। हम उसमें ये भी कह सकते हैं बच्चे उसमें शैक्षिक, शिक्षक उसके शैक्षिक पक्ष का भी आकलन करेंगे और साथ में जो हमारी पाठ्य से गामी क्रियाएं होती हैं, हमारे जो उनके सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं उसके दोनों पक्षों का वो आकलन करेंगे। क्योंकि हो सकता है कई विद्यार्थी अपनी शैक्षिक गतिविधियों में ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और कुछ बच्चे अपनी अन्य गतिविधि में, तो जो शिक्षक आकलन करते हैं, जो फीडबैक देते हैं वो फीडबैक उनके आकलन के आधार पर देते हैं कि बच्चे के जो प्रत्येक पक्ष को देखकर बच्चे का इंटरेस्ट किस क्षेत्र में है, उसका कार्य किस रूप में हमारे सामने आता है, तो उसके प्रत्येक पक्ष को देखकर और शिक्षक उसका आकलन करते हैं। फिर है हमारा थर्ड इसमें प्रदर्शन क्षमता, यानी कि हमने हम ये जानते हैं कि प्रत्येक बच्चा या प्रत्येक विद्यार्थी जो अपना प्रदर्शन करता है वो अपनी क्षमता के अनुसार करता है। अब क्षमता में हम देख सकते हैं उसकी मानसिक, शारीरिक, और हम देखें तो यहाँ हमारी आवश्यकता यानी कि प्रदर्शन, बच्चा अगर उसकी आवश्यकता है तो वो प्रदर्शन अच्छे से अच्छा करेगा। तो इसमें चीज बताइए कि जो प्रदर्शन करते हैं वो अपने कई बार वो अपने प्रतिभा को दिखाना चाहते हैं, इस प्रदर्शन के आधार पर वो अपनी प्रतिभा का विकास करते हैं कि किस तरीके से छात्र का कौन सा स्तर है, इसके आधार पर वो प्रदर्शन करते हैं। तो जो ये फीडबैक है वो प्रश्नपोषण जो शिक्षक किसके आधार पर देते हैं, बच्चों को उसकी प्रदर्शन क्षमता पर। जब इस तरीके का फीडबैक मिलता है उससे बच्चों में जो प्रतिभा का विकास होता है और जो प्रतिभा निखर कर सामने आती है, वो कहते हैं कि उन प्रतिभाओं का बच्चों में विकास होता है इस फीडबैक के द्वारा, क्योंकि जब तक उन्हें फीडबैक ना मिलेगा तो बच्चे उस कार्य को नहीं करेंगे। हम देखते हैं हम कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं तो अंत में हम बच्चों का रिजल्ट निकालते तो बच्चों में वो उत्साह होता है कि वो उस चीज को जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर हमारा रिजल्ट क्या रहा है, और वो बढ़ चढ़कर उसमें प्रदर्शन करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि इसमें हमें प्राइज मिलने वाली है या हमें इसमें सर्टिफिकेट मिल रहा है, तो सर्टिफिकेट दे रहे हैं हम, वो क्या है हमारा लिखित प्रश्नपोषण, और बच्चे इसके लिए अपनी क्षमता के अनुसार उसको करने की कोशिश करते हैं। और हमें भी कई बार ऐसा होता है कि शिक्षक ये नहीं समझते कि बच्चे में कौन सी प्रतिभा का विकास है या बच्चे में कौन सी प्रतिभा छुपी हुई है, तो इस प्रदर्शन के आधार पर हम बच्चों के अंदर जो प्रतिभाएं छुपी रहती हैं उन प्रतिभाओं का भी हमें पता चल जाता है कि आपके बच्चे में ऐसी कौन सी प्रतिभा छुपी हुई है। तो इसमें आ गया थर्ड हमारा प्रदर्शन क्षमता के आधार पर शिक्षक क्या करते हैं, बच्चों को लिखित प्रश्नपोषण देते हैं। फिर है छात्र में स्थायी सुधार। जब हमें स्थायी फीडबैक मिलता है बच्चों के लिए, हम देखते हैं जो उनके प्रगति पत्र पर जो वाक्य जो हम लिखकर देते हैं उनके प्रगति पत्र पर, तो उस वाक्य को देखकर, उस शब्दों को देखकर बच्चे
रहे हैं, यानी कि अगर हमने वो फीडबैक उसकी कमी के लिए लिखा है तो बच्चे हमारे शिक्षक के जो वाक्य जो शब्द लिखे हुए होते हैं उसको पढ़कर और अपने अंदर एक स्थायी सुधार करने की कोशिश करते हैं कि हम अच्छा बने। तो इसमें जो हमारा फोर्थ है वो है छात्र में स्थायी सुधार। फिर है हमारा व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति। पांचवा जो पॉइंट है हमारा वो है हमारा व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति, यानी कि व्यक्ति प्रत्येक अपनी क्षमता और अपनी योग्यता के अनुसार प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, तो उनकी जो आवश्यकता होती है उन आवश्यकताओं की पूर्ति भी वो अपने किसके द्वारा करते हैं कि उनके अंदर कौन सी क्षमता पाई जाती है, वो उस कार्य को कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो हमारी जो आवश्यकताएं होती है प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अलग अलग आवश्यकता होती है। कई बार हम देखते हैं कि कई जब हमें हमारी जो आवश्यकताएं अलग है तो हमारे कार्य करने का तरीका भी अलग होगा, और कार्य करने का तरीका अलग होगा तो उसमें जो हम शक्ति का हमारी योग्यता का जो समावेश होता है वो योग्यताएं भी हमारी अलग अलग होंगी। तो यहाँ पर व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति को देखते हुए फीडबैक दिया जाता है कि क्या जो जो आवश्यकता है उसकी व्यक्ति की वो आवश्यकता क्या प्रॉपर थी या नहीं, उसी के आधार पर हम फीडबैक देते हैं। क्योंकि उन आवश्यकताओं के आधार पर अगर कार्य नहीं किया जाता है तो वो फीडबैक हम कैसे दे सकते हैं। इसीलिए जब स्टूडेंट अपना कार्य करते हैं अपना अधिगम करते हैं तो वो अपनी आवश्यकता के अनुरूप करते हैं और उसी आवश्यकता के अनुरूप शिक्षक उन्हें अपना फीडबैक प्रदान करते हैं। फिर है हमारा नेक्स्ट पॉइंट इसमें सर्वांगीण विकास में सहायक। कहते हैं जो व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति होती है इससे फीडबैक से, यानी कि जो अपनी मानसिक शारीरिक इन योग्यताओं के आधार पर जब छात्र कार्य करता है तो जब वो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए कार्य कर रहा है तो उसमें क्या होता है उसका सर्वांगीण विकास होता है, उसके चहुंमुखी विकास होता है, क्योंकि उसके आधार पर वो अपनी तीनों चारों आवश्यकताओं को पहचान रहा है कि उसकी क्या आवश्यकता है, कौन सी उसकी आवश्यकता रही है, उसकी आवश्यकताएं शारीरिक रही है मानसिक। तो इन्हीं के आधार पर बच्चों का क्या होता है सर्वांगीण विकास होता है। मानसिक प्रक्रिया करता है तो बच्चे की कहते हैं चिंतन शैली का विकास होता है, शारीरिक करते हैं तो उनका शरीर स्वस्थ रहता है, और अगर इसमें कहें कि वो अपनी आर्थिक क्रियाओं के लिए शिक्षा ग्रहण करता है तो इससे वो अपना जीवन यापन करता है। तो इसी तरीके से जब इन सब क्रियाओं का इसमें समावेश होता है तो इन प्रक्रियाओं के आधार पर ही बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। इसलिए कहते हैं कि लिखित प्रश्न कौशल बच्चों के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। फिर है अभिभावक पर प्रभाव। हमने लास्ट में मौखिक जो प्रश्न कौशल था उसमें हमने ये बात सबसे पहले इस चीज को हमने ध्यान से कही थी कि जो मौखिक प्रश्न कौशल होता है उसमें अभिभावकों को पता ही नहीं चलता, यानी कि अभिभावक अपने बच्चों के प्रश्न कौशल से अनभिज्ञ रहते हैं, उन्हें ये पता ही नहीं रहता कि टीचर ने बच्चों के लिए क्या कहा है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे भूल जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि बच्चे छुपा लेते हैं। तो जो मौखिक प्रश्न कौशल है उसमें सबसे कभी बड़ी कमी रहती है कि वहाँ उसमें अभिभावकों का कोई भी सहयोग नहीं होता है, या हम कहें कि अभिभावकों को उसके बारे में पता नहीं चलता है। लेकिन जो हमारा लिखित प्रश्न कौशल है उस पर किस हमारे किस अभिभावक पर इसका प्रभाव पड़ता है, क्यों पड़ता है, क्योंकि जो हम लिखकर बच्चों को देते हैं, हमने देखा हम जब प्रगति पत्र का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं तो हम देखते हैं जो प्रगति पत्र हम बच्चों को प्रदान करते हैं उसमें हमने एक कॉलम बनाया होता है कि पेरेंट्स के सिग्नेचर उसमें होने चाहिए। वो बच्चा उस अभी जो उनका लिखित उनका प्रगति पत्र है उसे लेकर जब वो अभिभावक के पास जाएंगे उस लिखित पत्र को जब अभिभावक देखेंगे तो अभिभावक का उस पर प्रभाव होगा कि बच्चे हैं उनके किस दिशा में जा रहे हैं या उनका कार्य किस तरीके का है ये सारा। तो इसमें कहते हैं कि अभिभावक लिखित प्रश्न कौशल से जुड़े हुए होते हैं क्योंकि वो प्रश्न कौशल अभिभावक तक पहुंच जाता है, जहां मौखिक प्रश्न कौशल में ऐसा नहीं होता। लेकिन जो हमारा लिखित प्रश्न कौशल है उसमें हमारे अभिभावक इसमें सहायक होते हैं, या कहें कि अभिभावकों का इसमें योगदान होता है। तो अभिभावक पर भी इस फीडबैक का
होता है। जब हम बच्चों में कमी निकालेंगे तो हम जानेंगे कि बच्चों के लिए अभिभावक क्या करेंगे कि और कार्य करवाने की कोशिश करेंगे कि बच्चा किस तरीके से आगे बढ़े। तो अभिभावक पर फर्क पड़ा ना, तो इस कहते हैं कि लिखित जो हमारा प्रश्न पोषण है इसका प्रभाव अभिभावक पर पड़ता है। जब हम विद्यार्थी की प्रशंसा करते हैं, उसकी अनुशंसा करते हैं, तो वो प्रभाव अभिभावक पर होता है। अभिभावक को गर्व होता है कि हमारे बच्चे कितना अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो ये सारे जो अभिभावक पर नेगेटिव और पॉजिटिव प्रभाव पड़ते हैं वो लिखित प्रश्न पोषण के कारण, क्योंकि मौखिक प्रश्न पोषण में तो जब तक बच्चा वो नहीं बताएगा तब तक जब तक अभिभावक को पता ही नहीं चलता, फिर है हमारा निर्देशन एवं परामर्श प्रदान करने में। लिखित प्रश्न पोषण जो होता है, जो हमारे पास कहते हैं कि हम जो भी परामर्श देते हैं बच्चों को वो कैसा देते हैं, लिख कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि जब हम बच्चों की कॉपियां चेक करते हैं, बच्चों की कॉपी चेक करते हैं तो उसमें अगर हैंडराइटिंग में कमी है, उसका आंसर सही नहीं है, उसकी अशुद्धियां ज्यादा है, तो टीचर क्या परामर्श देगा उसे लिखकर कि अपनी अशुद्धियों पर ध्यान दे। यानी कि वो उन्हें परामर्श दे रहे हैं, परामर्श देते हैं कार्य के अंतिम रूप पर, लेकिन वो उसको परामर्श दे रहे हैं और निर्देश दे रहे हैं। क्या निर्देश देंगे कि दोबारा आप इस गलती को मत करना, या एक रफ कॉपी लो और उस पर जो आप अशुद्धि लिख रहे हो उसे चार बार लिखो। यानी कि निर्देश भी दे रहे हैं वो कि बच्चे अपना कार्य सही ढंग से करें, अशुद्धियों पर ध्यान दें, अपनी हैंडराइटिंग को सुधारें, अपने आंसर को सही लिखें। परामर्श भी दे रहे हैं वो बच्चों को कि अशुद्धि के लिए वो उसको चार बार लिखें, पांच बार लिखें। साथ में निर्देश दे रहे हैं कि बच्चे को याद नहीं है आंसर को दोबारा लिखो अगर उससे। तो इस तरह से ही कहा जाता है कि जो हमारा लिखित फीडबैक होता है उसके अंदर जो हमारा रिटर्न फीडबैक है उसके अंदर हमारे शिक्षक का निर्देशन और हमें परामर्श दोनों हमें प्रदान करते हैं। क्योंकि मौखिक में जो हमारे निर्देश और परामर्श मिलते हैं बच्चे उसे भूल जाते हैं, लेकिन लिखित में जब वो हमारे सामने लिखे हुए रहेंगे तो बच्चे उसे वापस दोहराते रहते हैं। फिर आता है यह प्रक्रिया कार्यों की समीक्षा के बाद संपन्न। बताया था हमने कि जो फीडबैक मिलता है हमें, जो आकलन होता है बच्चों का वो अंत में किया जाता है। यानी कि यहाँ पर इनकी जो विश्वसनीयता और वैधता जो छुपी हुई होती है वो कार्य की समीक्षा पर है। कहते हैं कि कार्य के अंत में ही हम उसका निष्कर्ष निकालते हैं, अगर हम बीच में देते हैं तो उसकी समीक्षा पूर्ण नहीं होने से पहले अगर हम फीडबैक देते हैं तो वो फीडबैक हो सकता है बच्चे आगे उसमें सुधार कर रहा हो, लेकिन जब बच्चा कार्य समाप्त कर चुका होता है तब हमें उस कार्य की वैध और विश्वसनीयता के बारे में पता चलता है कि ये कार्य कितना सही है। इसीलिए ये जो फीडबैक दी जाती है वो कार्य की अंत में की गई समीक्षा के आधार पर दी जाती है। जब शिक्षक पूर्ण रूप से छात्र अपना कार्य कर चुका होता है तब शिक्षक उस कार्य के प्रति अपनी समीक्षा देते हैं। इस समीक्षा के बाद ही हमारी फीडबैक की प्रक्रिया संपन्न होती है। यानी कि कहते हैं ना कि फीडबैक देने की एक प्रक्रिया होती है, हम कार्य को किस तरह से हमने नियोजित किया है, किस तरीके से उसमें हमने किस विधि का प्रयोग किया है, किस तरीके से हमने उसका प्रस्तुतीकरण किया है, ये सब हमें कब पता चलेगा, जब हमें हम उस कार्य की समीक्षा करेंगे। तो हमें अंतिम समीक्षा पर हमें इस बारे में पता चलता है। अब हम देखते हैं, मैंने बताया था कि जब हम इसमें गुण विशेषता होती है किसी कार्य में या किसी भी वस्तु में तो उसके साथ उसकी कमी और दोष भी पाए जाते हैं। तो अब हमने जहाँ इनके गुण के बारे में पढ़ा वही हम इनके दोष के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है भाषा समझने में कठिनाई। भाषा का जो स्तर होता है, कई बार ऐसा होता है कि जो छात्र है वो हिंदी समझ रहा है लेकिन शिक्षक उसे फीडबैक दे रहे हैं इंग्लिश में। अगर फीडबैक बच्चों को इंग्लिश में लिख के दिया तो बच्चे उस भाषा का बच्चों को समझ में ही नहीं आया। अर्थात हमें जो फीडबैक दे रहे हैं तो ये भाषा का जो स्तर होता है ये एक तरीके से हमारे लिए कठिनाई होती है। इसे समझने में छात्र नहीं समझ पाते तो हमें इन भाषाओं का हमें ध्यान में रखना चाहिए। जिस माध्यम का जिस बच्चा है अगर वो इंग्लिश मीडियम का है तो उसे इंग्लिश में प्रश्न पोषण प्रदान करना चाहिए और अगर हिंदी का है तो हिंदी में। इसीलिए ये हमारी भाषा कहते हैं कि हमारा जो फीडबैक है उसमें एक भाषा का ऐसा तत्व समाहित है
जो हमारी कठिनाई पैदा करते हैं। सेकंड है निर्देशों का सार्थक प्रभाव नहीं। हमने देखा है जो अभी बता रहे थे कि बच्चों को जब निर्देश देते हैं उन्हें के बताते हैं कि आपके इस कार्य में ये कमी है, आप इसको सुधार करो, लेकिन कई बार देखा है कि शिक्षक पुनः उसको चेक न कर पाने के कारण उन निर्देशों का सार्थक प्रभाव नहीं होता। अर्थात कई बार शिक्षक पर वर्कलोड होता है तो वो बच्चों को जो निर्देश दे रहे हैं उन्होंने लिखकर दे दिया है, लेकिन अगर उसे पुनः चेक नहीं करते हैं तो बच्चों के लिए वो निर्देश सार्थक नहीं होता। फिर है हमारा प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए उपयुक्त नहीं। मौखिक के लिए हमने कहा था कि अगर हम बीच बीच में बच्चों को टोकते हैं तो बच्चों का उत्साह बढ़ता है, लेकिन लिखित प्रश्न पोषण जहाँ अंत में मिलता है तो छोटे बच्चों के लिए हम मानते हैं कि अगर छोटे बच्चों को हम बीच बीच में नहीं टोका टोकी करें तो वो उनके लिए प्रभावी होता है। इसीलिए ये प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए प्रभावी होता है। बच्चों को अंत तक इसके लिए कहते हैं, छोटे बच्चों में इतना पेशेंस नहीं होता कि वो अंत तक उस चीज को समझे, इसीलिए ये प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं होता। लास्ट में सबसे ज्यादा ये कार्य के पश्चात दिया जाता है। मौखिक जहाँ बीच में दिया जाता है, लेकिन इसके लिए भी ये कहते हैं कि कार्य के पश्चात ये जो फीडबैक दिया जाता है तो वो फीडबैक इतना प्रभावी नहीं होता, क्योंकि जो गलती कर चुके हैं अगर उसका रिजल्ट नेगेटिव आता है तो उन्हें वो सारी प्रक्रिया पुनः दोहरानी पड़ती है, इससे उनके समय भी लगता है उनका और पुनः मेहनत भी होती है। इसीलिए जब इसको अंत में दिया जाता है, कार्य के पश्चात दिया जाना भी इसके अंदर एक कमी है। अब हम देखते हैं कि अब इसके द्वारा जो हमने प्रक्रिया की है फीडबैक की, कल मैंने मौखिक प्रश्न पोषण और आज मैंने लिखित प्रश्न पोषण, इसके आधार पर अगर हम निष्कर्ष निकालने बैठे तो हम कह सकते हैं कि शिक्षक के द्वारा हमारा मौखिक एवं लिखित प्रश्न पोषण दोनों ही छात्रों के लिए उपयोगी होते हैं, क्योंकि लिखित प्रश्न पोषण हम कार्य के अंत में देते हैं और मौखिक प्रश्न पोषण हम साथ साथ देते हैं। तो हमारे लिए जहाँ जिस फीडबैक की आवश्यकता हो हमें बच्चों को वो फीडबैक प्रदान करने चाहिए। हम इन गुणों के साथ साथ इन कमियों को भी देखें और साथ में दोनों का हम इसमें प्रयोग करें। जहाँ जिस फीडबैक की शिक्षक को आवश्यकता हो शिक्षक वही फीडबैक बच्चों को प्रदान करें। धन्यवाद।